अब इसके अंदर से मैं आपको छह पैनल निकाल के दिखाऊंगा। पहला पैनल है ये, सेकंड पैनल निकाल दिया मैंने इसका ये, थर्ड पैनल निकाल दिया मैंने इसका ये, फोर्थ पैनल ये, पांचवा पैनल इसका ये, छठा पैनल इसका ये, और ये निकाल दी मैंने इसकी कंप्लीट टूल किट। और सामने है पूरा एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ इसकी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बैटरी का। आने वाला समय है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स का, ये हम सब जानते हैं। और उसी के साथ हमारे सामने हैं तीन बड़े चैलेंज। चार्जिंग में लगने वाला 6 से 10 घंटे का टाइम, और दूसरा चैलेंज है चार्जिंग पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चार्जिंग पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी। और उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे आने वाला ह्यूज एक्सपेंस। सो इन तीन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए मारुति ने एक नई गाड़ी लॉन्च करी है विद अ अमेजिंग टेक्नोलॉजी। गाड़ी का नाम है ऑल न्यू ग्रैंड विटारा, और ग्रैंड विटारा आती है एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ जिसका नाम है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड। और बिलीव मी, ये इंटेलिजेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इस गाड़ी को आपको ना तो 6 से 8 घंटे चार्ज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है, ना ही इसके ऊपर आपको ह्यूज एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का पे करने की ज़रूरत है, यानी देर इज़ नो मोर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन तीनों चैलेंजेस को एलिमिनेट करने के बाद मारुति ने जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करी है अपने ग्राहकों को, वो है 27.97 किलोमीटर पर लीटर। मारुति जो क्लेम करती है वो क्लेम करती है कि 1200 किलोमीटर की जर्नी आप कवर कर सकते हैं अगर आपने पूरा टैंक फ्यूल का फुल करा हुआ है और उसके साथ साथ पूरी गाड़ी की बैटरी को ऑप्टिमम चार्ज किया हुआ है। 1200 किलोमीटर आप इस गाड़ी के साथ कवर कर सकते हैं। सो ये है इसका एक्सक्लूसिव रियर लुक। पीछे मिल जाता है आपको हाइब्रिड का लोगो। और अब मैं दिखाने वाला हूँ सबसे सरप्राइजिंग पार्ट जो इसके बूट में छुपा हुआ है। इसके बूट में छुपी हुई है इसकी ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी। अभी सामने आप देख रहे होंगे एक्सक्लूसिव लुक ऑफ इसके बूट स्पेस का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, दिखने में बिल्कुल सिंपल सा एक बूट है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारा स्टोरेज का स्पेस है। इसके अंदर से मैं आपको 6 पैनल निकाल के दिखाऊंगा। पहला पैनल है ये मैंने निकाल दिया इसका फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल निकाल दिया मैंने इसका ये, थर्ड पैनल निकाल दिया मैंने इसका ये, फोर्थ पैनल ये, पांचवा पैनल इसका ये, छठा पैनल इसका ये, और ये निकाल दी मैंने इसकी कंप्लीट टूल किट। और सामने है पूरा एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ इसकी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बैटरी का। बैटरी की जो पावर है वो है 177.6 वॉट की। और अभी आपको स्क्रीन पे इस बैटरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, इसकी टोटल पावर, इसका टॉर्क और कंबाइंड पावर, इंजन और बैटरी की दोनों की कंबाइंड पावर भी अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और दिस इज लिथियम आयन बैटरी विद 170.6 किलोवाट। आइए मैं अब इसके पूरे बूट को एग्जैक्ट फिक्स कर देता हूँ। एंड दिस इज़ द एक्चुअल लुक ऑफ द ग्रैंड विटारा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के बूट का आफ्टर प्लेसिंग अ बैटरी। पीछे आपको मिल जाते हैं टेल लैंप विच इज़ कनेक्टेड, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप विद शार्पिंग एंटीना एंड रियर फॉग लैंप विद टर्न इंडिकेटर्स। और पीछे मिल जाती है आपको रियर स्किड प्लेट। तो आइए देख लेते हैं अब इस इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड को किस तरीके से इसके डिस्प्ले को डिज़ाइन किया गया है वाइल्ड ड्राइविंग। देखिए सबसे पहले आपको इसमें मिल जाते हैं 2 मोड, वन इज ईवी मोड एंड सेकंड इज़ ए ड्राइव मोड। ये इसका सीवीटी ट्रांसमिशन है जिसके अंदर आपको पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइविंग मोड और ब्रेक मोड मिल जाता है, ब्रेक बूस्टर मोड। गाड़ी पार्किंग मोड पर होनी चाहिए,
पैर आपका ब्रेक पैडल पे होना चाहिए और आपको ये इग्निशन स्विच ऑन करना है। आइए इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इसका पावर का ऑन स्विच ऑन करेंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक ऑफ इंस्ट्रूमेंट पैनल। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो ये गाड़ी इस वक्त सामने आपको दिख रहा है पूरा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का डायग्राम, और ये पीछे आपको दिख रहा है इंजन जो ग्रीन हाइलाइटेड है, बीच में आपको दिख रहा है पावर स्प्लिटर, और ये आपको दिख रही है लिथियम आयन की बैटरी। अभी इस वक्त आप ध्यान से देखिए, जैसे इंजन ग्रीन है तो यानी ये गाड़ी इस वक्त इंजन पे है। अभी ध्यान से देखिए, इस वक्त ये गाड़ी का आप देख रहे होंगे जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो रही है इंजन से, और इंजन ट्रांसफ़र कर रहा है पावर बैटरी के अंदर, यानी कि वो बैटरी को चार्ज भी करेगा और इस वक्त इंजन के ऊपर बैटरी, इंजन के ऊपर व्हीकल रन भी करेगा। तो ये गाड़ी मैंने डी मोड पर डाली और ये पावर जानी शुरू हो गई। ये देखिए, ये गाड़ी इस वक्त चल रही है बैटरी के ऊपर और बैटरी इंजन को पावर दे रही है। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम जो गाड़ी आपकी चलती है वो चलती है बैटरी के ऊपर, अगर आप ईवी मोड प्रेस कर देते हैं तो। बात करूं अगर मैं इसकी फ्रंट की, तो क्रोम की स्टाइलिश ग्रिल आपको सामने मिल जाती है विद अ ह्यूज सुजुकी का लोगो, और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है 3-point LED DRL। सो ये 3-point LED DRL है, ये आपको डे टाइम रनिंग लैंप का भी काम करते हैं, साथ साथ आपको इंडिकेटर का भी काम करते हैं। अब देख लेते हैं इसके एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर, यानी कि इस हेडलैम्प को। इस हेडलैम्प पे आपको लो बीम हाई बीम दोनों मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बड़ा सरप्राइजिंग लुक कि इस गाड़ी में कोई फॉग लैंप नहीं है। ये एक ऐसा हेडलैम्प है जो कि आपको हाई लो, हाई और लो दोनों बीम्स देता है, उसके साथ साथ ये फॉग लैंप का भी काम करता है। बात कर लेते हैं उसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल पे आपको देखने को सबसे पहले जो स्ट्राइकिंग लुक मिलता है वो मिलता है 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील इन ड्यूल टोन। उसके साथ साथ आपको मिल जाती है व्हील आर्च क्लैडिंग, यहाँ पे आपको मिल जाती है स्मार्ट एंट्री विद अ स्मार्ट की।